अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आमना कियानी। आप मुझे देख रहे हैं इमरोज़ टीवी पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपल स्क्वायर पर, जहाँ हम कुछ लोगों से सवाल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मैम, मेरे आपसे एक सवाल है कि एक आदमी 20 मिनट तक बारिश में नहा रहा है लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए, ना उसके पास कोई हेलमेट है, ना छतरी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके कपड़े गीले हो गए, बताइए कैसे? हेलमेट भी नहीं है, छतरी भी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। शायद उसने रेनकोट पहना होगा। नहीं तो बाल सब कब... बाल क्या हो सकता है? शायद कपड़े गीले हो, खड़ा होगा कोई, किसी जगह पर खड़ा हुआ होगा वो तो। लेकिन बाल सिर्फ गीले नहीं हुए, कपड़े तो गीले हो गए ना। कपड़े भी गीले हो गए हैं। क्या हो सकता है? देखिए, उसके बाल गीले नहीं हुए, कपड़े गीले हो गए, बताइए कैसे? बालों पे कुछ बांधा होगा पक्का। तो वो जब बांधा होगा तो उसमें भी तो पानी जाएगा ना, तो कुछ मोटा सा बांधा हुआ होगा क्या? लेकिन कुछ बांधा हुआ ही नहीं, बांधा हुआ भी नहीं है। तो फिर गंजा होगा वो। हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू सो। एक आदमी 20 मिनट तक बारिश में नहा रहा है लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए, ना उसके पास छतरी है, ना उसके पास हेलमेट है, लेकिन उसके कपड़े गीले हो गए, बताइए कैसे? या तो उसने कैप पहन रखा होगा। कैप भी तो गीला हो सकता है। कैप गीला हो सकता है, लेकिन ये भी है कि कैप गीला होगा तो फिर बाल भी गीले होंगे। हाँ। इसका जवाब, उसने कैप भी नहीं पहना हुआ, और अगर कैप पहना हुआ भी है तो मतलब नहीं, ना उसने हेलमेट पहना हुआ है, ना उसके पास छतरी है, फिर भी उसके बाल गीले नहीं हुए, ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कुछ उसने किया होगा ना। यही मेरा सवाल है कि क्या किया उसने। उसने क्या कर सकते हैं? उसने कुछ ना कुछ, या तो कुछ ना कुछ उसने किया, ऐसा किया होगा ना। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसने जो है वो बारिश में, यही तो मेरा आपसे सवाल है कि उसके पास ऐसा क्या था जिसके बाल गीले नहीं हुए। वो ऐसा क्या बात हो सकती है कि उसके बाल जो है वो गीले नहीं हुए, बाकी सारा जिस्म उसका गीला हो चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद, तो हो सकता है कि वो गंजा हो। नहा रहे तो उसके बाल गीले नहीं हुए, कैसे? बाल गीले नहीं हुए, नहा रहा है, ना हेलमेट ना छतरी। यार ऐसे तो बाल गीले होने चाहिए। हाँ ना, बताए क्यों नहीं गीले हुए? बाल गीले नहीं, टोपी पहन नहीं, इतना छतरी भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, टोपी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ना टोपी ना छतरी ना हेलमेट, फिर भी गीले नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, इंसान है ना। हाँ हाँ, इंसान गीले होने चाहिए, अगर इंसान है तो गीले होने चाहिए। थोड़ा दिमाग लड़ाए ना आप। चलो 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 चलो, गंजा गंजा है। बिल्कुल गंजा है। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि एक आदमी बारिश में नहा रहा है 20 मिनट से, लेकिन उसने उसके बाल गीले नहीं हुए, ठीक है, उसके कपड़े गीले हो गए, ना उसने हेलमेट पहना है, ना उसके पास कोई कैप है, कैसे उसके बाल गीले नहीं हुए? अच्छा, ना कैप है ना हेलमेट है, शॉपर पहना हुआ होगा। नहीं सर, उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ। कुछ भी नहीं पहना हुआ? हाँ। तो उसके हाथ में अम्ब्रेला होगी, छतरी भी नहीं है, कैप भी नहीं है, हेलमेट था ना, मैंने आपको बताया था। क्या? हेलमेट भी नहीं है, कैप भी नहीं है, ना छतरी है, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो शॉपर पहना हुआ होगा जब तीनों चीजें नहीं है तो। नहीं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं पहना हुआ ही नहीं। बाल गीले नहीं हुए, बाल गीले नहीं हुए तो कपड़े जरूर, उसके बाल नहीं होंगे, गंजा होगा फिर वो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक आदमी 20 मिनट तक बारिश में नहा रहा है लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए, ना उसके पास कोई हेलमेट है, ना कोई कैप है, लेकिन उसके कपड़े गीले हो गए, बताइए कैसे? कैसे? क्योंकि वो किसी शेड के नीचे खड़ा हुआ, जहाँ छींटे आ रही होंगी उसके कपड़ों पे। नहीं, तो पूरे कपड़े गीले हुए ना। पूरे कपड़े कैसे गीले हुए होंगे? कैसे गीले हुए होंगे? बहुत मुश्किल सवाल है। नहीं, जवाब बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सोचता हूँ के नीचे नहीं खड़ा हुआ। नहीं नहीं, किसी शेड के नीचे नहीं है, छतरी भी नहीं है, ना कोई कैप है। फिर उसने क्या टोपी लगाई हुई है, मतलब कैप भी नहीं है। नहीं तो कैप होगी तब भी तो पानी आएगा ना। कैप होगी तब भी उसके, लेकिन बाल गीले नहीं होंगे ना। बाल गीले होंगे, कैप गीली हो जाएगी तो बाल भी गीले हो जाएंगे। नहीं ना, कैप गीली नहीं होती आजकल दूसरे जमाने। नहीं नहीं, हो जाती है सर, हो जाती। नहीं होती? नहीं सर, हो जाती। आपने देखी नहीं है शायद, वो वाटर प्रूफ है। वाटर प्रूफ सॉक्स चल रहे हैं। कोई कैप पहनी ही नहीं है, बस ये कैप नहीं पहनी हुई, हेलमेट नहीं पहनी हुई, ना कोई छतरी भी नहीं है।
उसने वो पहना हुआ होगा रेनकोट। कपड़े तो गीले हो गए ना, बालों का बताना। रेनकोट नीचे से लीक हो? नहीं देखिए, कपड़े गीले हो गए, बाल गीले नहीं हुए। सिचुएशन कोई सी भी हो सकती है ना, अब बहुत सारी सिचुएशन। नहीं नहीं, ऐसी कोई, उसने कुछ भी नहीं पहना है। कुछ भी नहीं पहना हुआ है लेकिन फिर भी उसके कपड़े गीले हो गए। जी कपड़े तो मैंने पहना। कह रही है कि उसने ना टोपी लगाई है, ना कैप लगाया हुआ है, ना उसने कोई और चीज, लेकिन कपड़े फिर भी गीले हो गए। कैसे गीले? तो सवाल ही कैसे सर, आप बिल्कुल करीब करीब है, बता दो। नहीं नहीं, मैं करीब करीब नहीं हूँ, मैं बहुत दूर दूर हूँ। नहीं सर, फिर भी बाल तो गीले हो सकते हैं ना। थोड़े थोड़े गीले होंगे वो तो। नहीं नहीं, हुए तो बाल तो गीले हो गए ना, थोड़े हुए या ज्यादा हुए? नहीं वो मुझे बताएं आप, अगर वो ऐसे हाथ रख के आ रहा है तो नहीं, बाल गीले होंगे। पॉसिबल कि उसके पास कोई रजिस्टर्स वगैरह हो, वो भी गीला होगा तो फिर बाल भी गीले हो जाएंगे। जवाब तो आप बताएं ना। मैं क्या जवाब बताऊं आपको? बस कुछ भी नहीं है ना, उसके पास कैप है ना, छतरी है ना, कोई इस तरह की चीजें हैं, फिर भी उसके बाल गीले हो। फिर उसके बाल नहीं होंगे शायद, पंजा होगा। बहुत देर से पहुंचे लेकिन सही। आदमी बारिश में 20 मिनट से नहा रहा है लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए, ना उसके पास छतरी है, ना कोई कैप है, ना हेलमेट है, लेकिन उसके कपड़े गीले हो गए, बताइए कैसे? गाड़ी गई होगी छींटे मारते हुए। नहीं कपड़े पूरे गीले हुए ना, बारिश में नहा रहा है, छतरी भी नहीं है सर पे। नहीं छतरी भी नहीं है, गिर गया हो, नहा रहा है सर, पानी फेंका होगा अपने पे मग्गे से। बारिश में नहा रहा है सर, नहा रहे, कपड़े गीले हो गए लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए। टोपी उतार दी होगी। नहीं सर, टोपी कुछ पहना हुआ ही नहीं है ऐसे सर पे। कुछ अजीब सवाल है। नहीं सवाल यही है ना, आप बिल्कुल, इसका सवाल जवाब बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। कपड़े गीले हो गए लेकिन बाल गीले नहीं हुए, क्यों? सर पे पानी क्यों नहीं फेंका? नहा रहे सर वो बारिश में। उसने हिलाया होगा ना। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ था ही नहीं, पंजा था। बहुत शुक्रिया। आदमी 20 मिनट से बारिश में नहा रहा है, उसके बाल गीले नहीं हुए, उसके कपड़े गीले हो गए, ना उसके पास कोई छतरी है, ना टोपी है, कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन उसके कपड़े गीले हो गए, बाल गीले नहीं हुए, कैसे? सर पे कोई शॉपर रखा होगा। नहीं सर शॉपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं उसके पास। छतरी होगी, छतरी है ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं? उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाल गीले नहीं हुए। बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे एक सवाल है, एक आदमी 20 मिनट तक बारिश में नहा रहा है लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए, ना उसके पास हेलमेट है, ना उसने कोई कैप पहना हुआ है, ना उसके पास कोई छतरी है, लेकिन उसके कपड़े गीले हो गए, बताइए कैसे? ना हेलमेट है, ना कुछ भी नहीं है सर पे, फिर तो उसके बाल ही नहीं है सर पे। नहीं आपको कैसे पता उसके बाल नहीं? जब सर पे कुछ भी नहीं है, ना छतरी है, ना कुछ है, तो बाल ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक आदमी बारिश में 20 मिनट तक नहा रहा है, आपको तो मेरे सवाल सुनने से पहले ही हंसी आ रही है। कह रहा हूं मैं, वॉक करते करते जैसे हमें पसीना आ जाता है वैसे हो सकता है। तो बाल तो गीले होंगे? तो बाल तो एब्सोल्युटली होंगे उसके गीले। पूछ रही हूं कि बाल गीले नहीं हुए? बाल कैसे गीले होंगे, हम तो पैदल चल रहे, मेरे ख्याल से तो यही सवाल है। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। मेरा आपसे एक सवाल है कि एक आदमी 20 मिनट से बारिश में नहा रहा है लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए, ना उसने हेलमेट पहना है, ना उसके पास कोई कैप है, ना छतरी है, लेकिन उसके कपड़े गीले होंगे, बताइए कैसे? नहीं शॉपर, कुछ ऐसी कोई चीज है ही नहीं, फिर टकला होगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरा आपसे एक सवाल है कि एक आदमी 20 मिनट तक बारिश में नहा रहा है लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए, ना उसके पास छतरी है, ना उसके पास कोई हेलमेट है, लेकिन उसके कपड़े गीले हो गए, बताइए कैसे? कैप पहना हुआ होगा। नहीं कैप नहीं पहना हुआ, ना हेलमेट, ना कैप, ना छतरी, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो टकला होगा शायद, सर पे बाल नहीं होंगे उसके, टकला होगा। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आशिम जी। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है कि एक आदमी 20 मिनट तक बारिश में नहा रहा है लेकिन उसके बाल गीले नहीं हुए, ना उसके पास कोई कैप है, ना हेलमेट है, ना कोई छतरी है, लेकिन उसके कपड़े गीले हो गए, बताइए कैसे? कपड़े भी गीले हो गए? जी जी बिल्कुल सही। तो पानी में बना रहा है वो, उसकी जो है बारिश में नहा रहा है। बारिश में वो हमारे जैसा टकला होगा। जी जी सर, थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि हमारे मुल्क में कितने इंटेलिजेंट लोग हैं,
मेरी तो दुआ है कि अल्लाह से कि रोज़ हमें इस तरह के इंटेलिजेंट लोग मिलते रहें ताकि हम आपके चेहरे पर रोज़ मुस्कुराहट ला सकें। इसी के साथ अपनी होस्ट आमना को इजाज़त दीजिए और इमरोज़ टीवी के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।